नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। नांगल चौधरी के गांव नांगल रघु में धोली पहाड़ी के पास बने जोहर के पानी में आज सुबह एक व्यक्ति का शव तैरता दिखा। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। इसकी पहचान नांगल द्रगू के निवासी के रूप में हुई है। वहीं मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों का कहना है कि वो शाम 3 बजे घर से निकला था। सुबह तक जब वो घर नहीं लौटा तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। उन्हें सूचना मिली थी धोली पहाड़ी के पास बने जोहर में किसी व्यक्ति का शव तैर रहा है। उन्होंने वहां पहुंचकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं चौकी इंचार्ज ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पता लगा रही है कि मौत किन कारणों से हुई है। नांगल चौधरी से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। हमें सूचना मिली थी फोन पे, अभी धोली पहाड़ी के पीछे डैम में एक आदमी डूब गए। हम तुरंत मौके पहुंचे। डायल 112 से ही फोन आया था और डेड बॉडी को निकाला है। किसकी डेड बॉडी है इस संबंध में पोस्टमार्टम कराएंगे और कार्रवाई चल रही है। ये नांगल दुर्गू का बता रहे हैं। ये मेरा बड़ा भाई है। सूचना सुबह लगी और फिर अब देखा तो अब मिला था सुबह ही। ऊपर शाम को निकला था 3 बजे करीब। पतवर घर नहीं पहुँचा। पुलिस को कोई सूचना दी या रात नहीं पता ही नहीं चला, हमें नहीं पता चला। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।